नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं खेत की सुरक्षा के बारे में। खेत की सुरक्षा कैसे करें, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। दोस्तों, हम जो सौर ऊर्जा देखते हैं घर में, हम अनेक कार्य के लिए सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिजली के लिए सौर ऊर्जा का जो सौर सौर्य का जो विकिरण किरणें है, उसको एक प्लेट द्वारा अवशोषित करके और उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वही सौर ऊर्जा जाता है, जिसे सौर एनर्जी भी बोला जाता है। दोस्तों, हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको हम खेत में लगा के कैसे अपने फसलों का सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम उसकी सेटअप की। तो सेटअप हम लोग को टोटल उसका बैटरी, मशीन और सौर ऊर्जा का जो प्लेट होता है, वो तीनों मिला के हम लोगों को 19 से 20 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा, जो कि हमारे 2 एकड़ खेत को संभाल सकता है वो। फिर से बात आता है दोस्तों उसकी सुरक्षा का, कि खेत की सुरक्षा हम कैसे करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसकी जो पहली फसल हम बोए थे वो मटर की फसल थी हमारी, और मटर की फसल में हम इसी का प्रयोग किए थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला था। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जो हमारा मटर का फसल था वो काफ़ी अच्छा था और इससे हमारा काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो है हम लोग का खेती जो होता है दोस्तों नदी के उस पार होता है। नदी के उस पार होने से दोस्तों जो है लावारिस जानवर जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी इत्यादि जो लावारिस पशु होते हैं दोस्तों, वो आके हमारे फसल को ख़राब कर देते हैं। जैसे अभी हमारी जो मसूर की खेती हुई है, उसमें मसूर के फसल को मतलब काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया गया है। मतलब 50%, 100 में 50% नुकसान हो गया है, 50% अभी खेत में बचा है। इसीलिए हम दोस्तों मटर जो है हम लोग का नकदी फसल में आता है, मतलब 3 महीने के अंदर उसमें जो होना रहता है हो जाता है, मुनाफा या घाटा जो भी होना रहता है 3 महीने के अंदर हम लोग को मिलता है। इसलिए हम उसे अधिक सटीकता से और अधिक सावधानी पूर्वक उसकी खेती करते हैं। तो उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसकी सुरक्षा कैसे करें। जैसे कि आप हम लोग के खेत, हमारा जो अभी का खेत है उसमें हम आपको अभी सेटअप जो है हमारा उसको हम अभी दिखा रहे हैं, आपको आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें आपको कि देखिए एक पाइप के सहारे जो है इसको ऊपर तक ले गया गया है और उसमें प्लेट को सेट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, पाइप के ले जाके ऊपर सेट कर दिया गया है और नीचे जो टूल बॉक्स दिख रहा है आपको, जो लोहे से मतलब लैस है, उसके अंदर बैटरी और मशीन है। और हम उसको ताले में हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि कोई भी जाएगा तो उसको ऑन ऑफ करेगा, जिससे हम लोग का सेटअप खराब ही हो सकता है। तो उसको हम लोग बंद करके रखते हैं। बंद करने के बाद से दूसरी बात है दोस्तों कि जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से पूरे खेत में हम लोग का करंट जाता है, जिससे अगर तार जो फैला है हम लोग का, अगर उसको कोई टच करता है तो उसमें करंट आता है। वो करंट इतना तक ही आता है दोस्तों कि बस एक बार किसी को झटका देता है, कोई भी पशु हो या कोई भी इंसान हो, बस उसको झटका देता है उसको, मतलब वो जान नहीं लेता है। बहुत हल्का झटका लगता है पशु को और तेज लगता है, जितना मतलब कस के पकड़ेंगे उतना तेज झटका लगता है उससे। बस वो झटका मशीन ही, जिसको झटका मशीन भी कितने लोग बोलते हैं जो हम लोग सौर ऊर्जा पे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बता दे दोस्तों कि हम इसका सेटअप दिखा दिया आपको। अब देखिए जो है बैटरी है अंदर, जो सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहा है, और उसके ऊपर हम लोग का मशीन है। तो बैटरी चार्ज हो रहा है तो बैटरी से दो माइनस प्लस का जो तार है उसको हम नीचे तक लाए हैं, और नीचे से उस तार को हम जहाँ अपने तार का सेटअप किए हैं, पूरे खेत का अपना जो बाउंड्री दिए हैं उस बाउंड्री पर एक में जो मेन जहाँ पे स्टार्टिंग है वहाँ पे हम लोग तार को ज्वाइंट कर दिया है टेप लगा के। ज्वाइन करने के बाद से दोस्तों हम लोग के पूरे खेत में जो है हम लोग के पूरे खेत में बिजली दौड़ गया है, मतलब तो करंट पूरे खेत में हम लोग का करंट स्टार्ट है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं दोस्तों, अगर हम खेत में मौजूद ना रहे और हम मान लीजिए कहीं चले गए, तो हम लोग इसको ऑन करके और खेत से बाहर निकल जाते हैं, जिसे कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रवेश करेगा भी तो बहुत मतलब आदमी प्रवेश कर पाता है, हल्का सा टच वच होता है उसका भी, लेकिन वो अच्छे से प्रवेश कर पाता है। कोई भी पशु या कोई भी जानवर इसमें प्रवेश नहीं पकड़ पाता है। प्रवेश ना करने से हम लोग का बहुत काफ़ी हद तक जो है हम लोग का फसल नुकसान नहीं होता है। दोस्तों देख सकते हैं जो अभी हमारा जो ये खेत दिख रहा है, अभी इसमें जौ की खेती हुई है, इसके पहले हम लोगों का इसमें मटर था। मटर हम लोग का पूरा सेल हो गया, मार्केट तक चला गया, और मटर का जो फसल है उसको उखाड़ के अब जो सूखने लगा है, अब उसको उखाड़ के हम घर तक लेके जा रहे हैं और उसको पशु के चारे के रूप में प्रयोग करेंगे। ये हो गया हम लोग का
मटर के फसल का उपयोग। उसके बाद से दोस्तों हम बता दें अभी का लाभ हम लोग का जो मटर में लाभ हुआ है वो हम लोग का लागत था 50,000 पूरे एकड़ में, और जो हम लोग का लाभ है वो टोटल हम मतलब इनकम है 50,000 ऐड करके 2 लाख रुपए टोटल हम लोग के मटर से आया है, जिसमें 50,000 लागत होगा और 3 महीने में हम लोग 1.5 लाख रुपये तक कमाई कर लिया है मटर से दोस्तों। उसके बाद बता दें कि मटर उखाड़ के और इसमें जौ की बुआई हो गई है। रही बात दोस्तों, अब हम आपको समझा देते हैं कि जो हम लोग तार लगाए हैं वो लकड़ी के सहारे लगाए हैं, तो आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि लकड़ी से तो कभी करंट और बिजली पास करती नहीं है तो फिर कैसे पास करती होती, तो वो भी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो बांस लगाए हैं उसमें हम लोग छोटा सा एक पाइप लगाए हैं, जिस पाइप से होके और हम लोग का जो तार है वो गुजरा है। हम लोग लकड़ी में जो है, जो हम लोग का खंभा है लकड़ी का, उसमें तार टच नहीं है, वो टच ना होने से करंट पूरे खेत तक पहुंचता है हम लोग पाइप के अंदर से, और जो पाइप है हम लोग का खंभे में बांधे हैं तार से, और तार से बांध के उसके अंदर से हम लोग जो करंट वाली तार लेके गए हैं ताकि हम लोग का तार मतलब करंट पूरे खेत तक दौड़ सके। दोस्तों हम बता दें कि ये तकनीक हम लगभग 6-7 साल से अपना रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं। हम ये तकनीक परवल में भी अपना देते हैं, मतलब हर एक खेती में जो पशु हम लोग का नुकसान पहुंचाता है उसमें हम ये तकनीक का उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से ऐसे ही नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।